का पार्शियल इंटीग्रेशन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सब स्पेशल इंटीग्रल्स का कुछ पार्ट कवर कर लिया है। तो अब हम पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, राइट? पार्शियल इंटीग्रेशन, इनमें कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उन फॉर्मेट्स को हमें ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है कि किस तरह के फॉर्मेट में हम कैसा ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले, अगर हमारे पास ऊपर dx और अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस बी इस तरह का फैक्टर है, चाहे ऊपर में dx हो या मोनोमियल हो या बाइनोमियल, दो टर्म हो, सवाल मोनोमियल या बाइनोमियल या सिंगल टर्म का नहीं है। सवाल उठता है कि यहां जो भी है वो हमारा दो फैक्टर्स में है, और फैक्टर्स अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 2 हुआ, यानी उसका जो डिग्री हुआ वो हायर डिग्री 2 हुआ, और अगर न्यूमरेटर में 2 से कम, यानी अगर यहां पे सिंगल एक नंबर है 2, 3, 4, 5 कोई भी चीज, तो उसमें तो x है ही नहीं, यानी डिग्री 0 हुआ। अगर एक टर्म x है 3x, तो x उसका x का डिग्री क्या हुआ, 1 हुआ। अगर वहां पे दो टर्म भी है, px प्लस q का भी टर्म है, लेकिन x का पावर 1 ही है, तो डिनोमिनेटर से डिग्री कम है। हमें यही देखने की बात है कि यहां पे चाहे वो एक सिंगल टर्म हो, या फिर मैं कहता हूं ये सिंगल 1 हो, या फिर अगर यहां पे 3 हो और dx, या फिर यहां पे अगर हमारे पास दो टर्म भी हो px प्लस q, ये कोई भी केसेस हो, तो इस तरह का सिचुएशन जब हमारे पास रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस a इंटू x माइनस b, यहां पे प्लस भी रह सकता है, यहां पे माइनस भी, ये दोनों ही प्लस रह सकते हैं, तो वो सब फैक्टर नहीं है। फैक्टर है कि मीनिंग है कि यहां पे डिनोमिनेटर में x का पावर 2 हुआ और यहां पे x का पावर 1 हुआ। तो अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से कम पावर हो, पावर को हम डिग्री कहते हैं, तो डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है और न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, तो ऐसे केसेस को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा a अपॉन पहला फैक्टर और प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। और अगर जब ऐसा कंडीशन आएगा, इसका मतलब हुआ कि हम ये a और b दो कांस्टेंट टर्म है, इसको सॉल्व करेंगे और उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहां पे हम डालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर है। सपोज करते हैं, मान लेते हैं, अगर यहां पे हमारा px प्लस q ही है, मैं फिर से कह रहा हूं प्लस या माइनस वो यहां मीनिंग नहीं रखता है, मीनिंग रखता है डिग्री, px प्लस q और अपॉन यहां x माइनस a का होल स्क्वायर। इस केस को जब हम a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको हम x माइनस a इंटू x माइनस a भी कह सकते हैं, यहां पर भी x का डिग्री 2 हुआ डिनोमिनेटर में, whereas न्यूमरेटर में हमारा डिग्री क्या है, 1 है। तो मैं कह रहा हूं कि जब हमारा न्यूमरेटर में डिग्री डिनोमिनेटर से कम रहेगा, तो हम उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर वैसा नहीं रहेगा, तो इस तरह से a बाय b बाय c बाय ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अब हम इसको लिखेंगे a बाय इसका नॉर्मल वाला x माइनस a और प्लस b बाय इसका x माइनस a का होल स्क्वायर, राइट? ऐसे कंडीशन को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे। अगर आपके पास, मान लेते हैं px प्लस q अपॉन यहां पे एक फैक्टर है x माइनस a इंटू x माइनस b का होल स्क्वायर, सपोज करते हैं इस पे नॉर्मल है, यहां पे दो ऐसे कोई पावर नहीं था, तो हमने a अपॉन दिस पहला फैक्टर, b प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, यहां पे कोई एक सिंगल फैक्टर है उसका स्क्वायर है, तो a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर।
अगर आपके पास ऐसा फॉर्मेट रहता है तो इस फॉर्मेट को हम लोग ब्रेक करेंगे a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b और प्लस c अपॉन x माइनस b का होल स्क्वायर। ध्यान रहे स्टूडेंट, जितना कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस होते जाएगा उतना सवाल का लेंथ बढ़ते जाएगा, उतना सवाल कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, उतना डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा। तो इन जनरल हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 कांस्टेंट तक का यूज करते हैं, ए बी सी और डी, इतना, इससे ज्यादा और नहीं आता। ठीक है, डी भी बहुत अधिक हो गया, बहुत अधिक, ए बी सी तक इन जनरल सवालों में मैक्सिमम ए बी सी 3 कांस्टेंट तक रहता है और उसका हम वैल्यू निकालते हैं, फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, राइट। अब अगर मान लेते हैं यहां पर अगर स्क्वायर रहता और ये फ्री रहता, अगर हमने अभी कहा कि x माइनस ए इंटू x माइनस बी का पावर 2, तो ये फ्री था, इसका पावर 1 था, सो a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन इसका नॉर्मल प्लस c अपॉन इसका स्क्वायर। अब मैं बदल देता हूं, सपोज करो कि अगर ये स्क्वायर यहां हो और ये फ्री हो तो क्या लिखेंगे, यही पैटर्न लिखेंगे, a अपॉन, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे हमारा पी एक्स प्लस क्यू या पी एक्स माइनस क्यू कुछ भी, और यहां पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी, इसी चीज को हमने ऐसे उल्टा कर दिया, तो अब ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए इसका पहला वाला प्लस जो बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो स्क्वायर वाला टर्म है जो पहले फ्री है, तो a अपॉन वो पहले फ्री वाला प्लस b अपॉन इसका फ्री वाला मतलब नॉर्मल x माइनस बी प्लस c अपॉन उसका स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे हम पहले पहला फैक्टर के बारे में गौर करेंगे, तो a अपॉन x माइनस ए फिर उसका स्क्वायर है, डायरेक्टली नहीं लिख सकते इसका स्क्वायर, हमें पहले उसका, अगर ये पावर 3 रहता ना तो हमें a अपॉन दिस प्लस b अपॉन इसका स्क्वायर प्लस c अपॉन इसका क्यूब, एक एक पावर बढ़ते हुए हमें लिखना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहां पे इसको ब्रेक करते हैं। अब एक और मैं बात आपको और भी स्टेज बताता हूं, ये आपने देख लिया a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस प्लस c अपॉन दिस। अब अगर सपोज करो फिफ्थ पार्ट हम ऐसा कर रहे हैं, सपोज यहां पे एक्स स्क्वायर कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस बी कुछ भी ऐसा कर दिया, तो दैट मीन्स अब एक ये क्वाड्रेटिक हो गया, अब ये नॉर्मल फैक्टर नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको हम लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, राइट, बी एक्स प्लस सी, ये दो हमारा कांस्टेंट एक साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये सारे फॉर्मेट हैं और पहले पार्शियल को इस तरह के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे, ए बी सी जो भी वेरिएबल्स हैं उसका हम वैल्यू निकालेंगे फिर उसमें डालेंगे। थोड़े इसके सवाल लंबे होते हैं बट ऑलमोस्ट एक पैटर्न पे चलता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी हम आपके पास न्यूमरेटर में डिग्री और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में डिग्री सेम होगा। जब स्टूडेंट को बारीकियां नहीं पता होता है तो स्टूडेंट क्या करता है कि कोई भी सिचुएशन को ऐसे लिखना शुरू कर देता है, यानी a अपॉन दिस b अपॉन दिस, हर सिचुएशन को नहीं लिख सकते, हर सिचुएशन को आप ऐसा ब्रेक नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले डिग्री देखना पड़ेगा। जब न्यूमरेटर में डिग्री कम हो, डिनोमिनेटर से डिग्री कम हो, तभी आप a अपॉन b अपॉन ऐसे करके हम लिख सकते हैं इस पैटर्न पे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो या फिर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी जैसे आप सपोज करो यहां पे आपको दे दिया, मान लेते हैं एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि यहां पे दे दिया एक्स स्क्वायर,
और यहां पे कुछ भी दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, राइट, या फिर आप इसको फैक्टर भी लिखोगे x माइनस टू इंटू एक्स, ये चीज दे दिया, या ये मैं ये भी कह रहा हूं कि बाय द वे अगर आपने इसको ऐसा दे दिया x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ऐसा दे दिया और ऊपर में सिंगल x का टर्म नहीं है, x स्क्वायर है, तो जब आप इसको अभी भी आपने मल्टीप्लाई किया था तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स आया था, और यहां पे एक्स स्क्वायर है तो इसमें भी x का पावर 2, इसमें भी x का पावर 2, तो डिग्री बड़ा हो गया, न्यूमरेटर और डिग्री इक्वल हो गया, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री इक्वल हो तब हम इसको लॉन्ग डिवीजन करते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स से हमें एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा, आइदर आप यहां ऐसे लाइन दो या फिर यहां ऐसे लाइन दो, ये कब करते हैं स्टूडेंट, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होता है या न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा होता है तब हम ये काम करते हैं लॉन्ग डिवीजन, और इसके बाद फिर उसको सवाल को ये करते हैं, तो बस यही कंसेप्ट है, और अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं क्योंकि इतना ही, और कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मेट ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है, तो ये आपने फॉर्मेट देख लिया, अब हम इसका सवाल देखते हैं, जब आप सवाल बनाओगे तो बखूबी बड़े अच्छे से आप कोई भी चीजों को सॉल्व कर पाओगे, जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी बहुत अच्छे सवाल हैं, अगर मैं आपको उसको डिस्कस कर दूं तो देन तब भी आपका इधर भी एक्सरसाइज वगैरह भी बन जाएगा, एनीवे आप देखो एग्जांपल 11 है पेज नंबर 318, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कोई भी बनाओ एक ही जैसे बातें हैं, इनफैक्ट इसमें एग्जाम्पल्स में ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस गिवन है, राइट, और सब उसी टाइप से बनना है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं, यहां ए और बी का वैल्यू हमें क्रॉस चेक भी हो जाएगा, जो अगर मैं एग्जाम्पल्स के वाले क्वेश्चंस को बनाता हूं और ए और बी का जो वैल्यू आएगा तो वो हमारा क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि हाँ हमारा सही आया, या अगर नहीं मैच किया तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, तो पहला सवाल है dx अपॉन x प्लस वन इंटू x प्लस टू, dx अपॉन ऐसे एग्जाम्पल 11 है, एग्जाम्पल 11 पेज नंबर आपका है 318, पेज नंबर एनसीईआरटी बुक 318, राइट, तो dx अपॉन x प्लस वन x प्लस टू, x प्लस वन और x प्लस टू, तो आप क्या करोगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन x प्लस वन और प्लस b अपॉन x प्लस टू, इजिली लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x का डिग्री 2 हुआ, ऊपर में हमारे पास कोई डिग्री है ही नहीं है डिग्री, यानी x है ही नहीं, तो यानी डिग्री 0 हुआ, तो डिग्री 0 होगा तब भी मैं ऐसा लिख सकते हैं, डिग्री 1 होता तब भी लिख सकते थे, 2 के केस में नहीं लिख सकते थे, तो अब आप यहां पे इसको ऐसे मल्टी एलसीएम लो तो ये x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 हो गया, इससे जाएगा तो a इंटू x प्लस 2 और प्लस b इंटू x प्लस 1, और अब जब मल्टीप्लाई करोगे आप और ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर मतलब कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये दोनों डिनोमिनेटर वहीं पे काट दो, आगे बढ़ाने का कोई नीड ही नहीं है, तो इस तरह से आपके पास बन गया ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी, है ना, ये मैं बिल्कुल खोल के ओपन करके स्टेप बाय स्टेप शुरू में कर देता हूं, बाद में तो आप स्टेप जंप भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसके बाद हम ये स्टेप लिखने का नीड नहीं था, या फिर यू कह लो कि हम डायरेक्टली यहां पे न्यूमरेटर में ये स्टेप लिख सकते थे, और अगर हमने ये लिख लिया तो ये स्टेप जंप करके अब जो तीसरा स्टेप हम लिखने वाले हैं वो लिख सकते थे, तो ये आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, और अगर आपको ऐसा स्टेप बाय स्टेप ही लिखना हो तो आप ऐसा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम यहां पे ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस बच गया टू ए प्लस बी, नाउ कंपेयरिंग, ये वर्ड भी लिखने का नीड नहीं है, नाउ कंपेयरिंग, क्योंकि धीरे धीरे बातें इतनी बढ़ते चला जाता है कि पार्शियल में कि आपको ये छोटी छोटी बातें इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है,
और अगर आप लिखना चाहते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल लिखो, लेकिन मस्ट स्टेप नहीं है। तो नाउ कंपेयरिंग, तो ए प्लस बी, यहां पे चूंकि हमारे पास एक्स नहीं है तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। और टू ए प्लस बी हमारा कितना हुआ, वन हुआ, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म यहां पे वन है, वन डीएक्स, और इसमें एक्स नहीं है, इसलिए एक्स एक्स वाले को जब हम कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो और टू ए प्लस बी इक्वल टू वन हो गया। आप इसको वन और टू कर सकते हो, ठीक है। अब इससे जितना जल्दी में चाहो जैसे चाहो, फ्रॉम वन ए इक्वल टू माइनस बी हो गया, ये बी को उधर हमने कर दिया, कोई भी एक वेरिएबल को। अब ए का वैल्यू टू में पुट कर दो, देयरफॉर अब ये सब भी लिखने का जरूरत नहीं है, नाउ कंपेयरिंग पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन बी, हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए, आप जैसे निकालो, जितना सुपर फास्ट बनकर निकालो, जितना शॉर्ट करके निकालो, बट एक मोटा मोटा ये कि हम ऐसे निकालेंगे, हमको ये स्टेप दिखाना पड़ेगा, इस स्टेप में कोई एक स्टेप जंप कर किया जा सकता है, उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को आपको ऐसे लिखना है, लिखने के बाद यहां पे फिर आप शॉर्टकट में अपने काम कर सकते हो। तो ये 2 इंटू ए के बदले में हो गया माइनस बी, तो ये माइनस टू बी और प्लस बी इक्वल टू वन, यानी माइनस बी आपका वन हो गया, तो देयरफॉर बी हो गया माइनस वन, बी माइनस वन हो गया, तो यहां पे ए हो गया, तो ए हो गया आपका वन, ठीक है स्टूडेंट। ए और बी आपका मिल गया, यही हमारा टारगेट था। अब नाउ ए अपॉन दिस वन, तो देयरफॉर इन चीजों को हम आई से डिनोट करते हैं जो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो आई इक्वल टू ए अपॉन दिस, ए हमारा क्या है वन, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन और डीएक्स लगाएंगे, प्लस बी, बी है माइनस वन, तो वो प्लस लिखकर और यहां माइनस है, माइनस और प्लस लिखकर माइनस ही हो गया, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। और प्लस सी लगाएंगे क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, ए और बी का वैल्यू पुट किया, तो ए इतना हो गया। अब इसका रिजल्ट हो गया लॉग वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग, लॉग मॉड एक्स, तो इतना माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस टू। अब लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एन बाय एन है ना, यहां पे अगर आपको दिखाई ना पड़े तो मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, लॉग एम बाय एन यानी लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू और प्लस सी, ये लॉग के बाद जो भी लिखते हैं ये मॉड में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है राइट, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। मेरे पास बुक है आप 318 पेज जो भी है आईसीएसई सीबीएसई, आप ये चेक कर लेना, जो कुछ मैं कराता हूं वो आप चेक कर सकते हो राइट। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आते हैं दूसरे सवालों पे, दूसरे सवाल एग्जांपल 13, फिर हम 12 पे आएंगे, ठीक है। 12 में आपका डिवीजन करने वाला है, तो पहले आपको मैं बताता हूं 13 क्योंकि इसी टाइप का है, वहां पे दो कांस्टेंट के बदले में तीन यूजेस हैं, तो ठीक है। अब पहले एग्जाम, क्योंकि आपने एक जैसा सवाल देखा, फिर थोड़ा सा इसी से सिमिलर और इसी से थोड़ा टफ, मतलब इससे थोड़ा सा लेंदी, वो हम देखते हैं, फिर हम पैटर्न बदलते हैं। एग्जाम्पल 13 इज इट ओके फ्रॉम योर साइड, यस फाइन। सो एग्जाम्पल 13 सेज दैट इंटीग्रेशन ऑफ, जो कुछ भी है हमारा i है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री राइट स्टूडेंट। हमने देखा वही पैटर्न है, फिर से अब हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 फाइन। सो जो पैटर्न अभी आपको मैंने बताया
दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट. सो हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 2 वी कैन राइट लाइक दिस अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर दैट इज x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस c अपॉन x प्लस 3. राइट, वी कैन राइट दिस इंटीग्रल equivalent to this one, a upon first one plus b upon its square plus c upon this individual factor. Now we take LCM of this. What it mean? It means your LCM will be x plus 1 whole square into x plus 3. It is not x plus 1 into x plus 1 plus square into x plus 3. ठीक है, क्योंकि जब आपका ये दोनों इसमें है ही है तो स्क्वायर वाला पार्ट ही आएगा. ये एलसीएम का रूल है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है ना. तो नाउ x प्लस 1 टाइम्स रिमेन, सो a इंटू x प्लस 1 प्लस और इंटू a इंटू x प्लस 1 a इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 3. ठीक है, जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये एक x प्लस 1 बचेगा और ये तो है ही है तो वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इससे जब करेंगे तो ये बचेगा तो b इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 और प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब ये चीजें और ये दोनों कट गए. ठीक है, यहां पे हम काट देते हैं. अब कंप्लीटली इसको सॉल्व करेंगे, कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये हो गया a इंटू इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x तो 4x प्लस 3 प्लस 3 और प्लस b इंटू x प्लस 3 b इंटू x प्लस 3 और प्लस c इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a प्लस b होल स्क्वायर. राइट, अब हम सोचो कि हम a को सबसे मल्टीप्लाई किए, b को इन दोनों से किए, c को इन तीनों से किए, तब जहां हम उनमें से x स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो कहां का बना x स्क्वायर, एक यहां a x स्क्वायर है और यहां c x स्क्वायर है तो उनमें से हमने x स्क्वायर को कॉमन लिया. यानी हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस c x स्क्वायर, क्योंकि हम एक स्टेप यहां पे जंप कर रहे हैं. अनलेस कि हम इसको सबसे दिखलाए कि हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये काम नहीं करेंगे, उतना कौन ये लिखेगा. तो हमने क्या किया कि बस ए एक्स स्क्वायर हुआ, यहां सी एक्स स्क्वायर, उसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए प्लस सी. अब इसी तरह एक्स कॉमन लेंगे तो यहां पे यहां है 4ax तो 4a बचेगा प्लस इसमें b और प्लस इसमें 2c इंटू एक्स इंटू एक्स. राइट, ये 4ax है तो यहां पे x कॉमन लिए तो 4a बचा, यहां पे bx तो b बचा और यहां पे 2cx तो x बचा. और अब हम जो फ्री वाले टर्म्स है जिनमें x नहीं है सिर्फ ऐसे a b c है तो ये हो गया 3a, ये हो गया 3a प्लस 3b प्लस 3b 3b और प्लस सी सी इंटू वन दैट इज सी. तो ये आपका टोटल कंप्लीट इक्वेशन हो गया. नाउ कंपेयरिंग आप लिखना चाहो लिख दो कंपेयरिंग. अब एक्स स्क्वायर का टर्म तो इसमें है ही नहीं, हमारे इस न्यूमरेटर के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो वो जीरो हो जाएगा. a plus c इक्वल टू जीरो. अब देखो मैंने कहा ना तीन हम इंट्रोड्यूस किए हैं, दो वाला फिर भी कितना इजी था, तीन वाला स्ट्रेच एकदम बिल्कुल लंबा होता चला जा रहा है. अब कैलकुलेशन अभी और अभी डिफिकल्टी आएगी. ठीक है, और a b c का वैल्यू निकालना, चार हो जाएगा तो और सोचो कितना बढ़ेगा. लेकिन उस 4 के केसेस में एक और शॉर्टकट्स है, वो शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा कि जब 4 सिचुएशन आ जाता है तो जनरली क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल देता है और यूज 4 हो सकता है. अगर मैं उसमें ए बी सी डी ऐसे करके बनाऊं
तो वैसा भी बन सकता है, लेकिन मैं वैसा बनाने दूंगा नहीं। मैं आपको बिल्कुल इजी और शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि उसको हम लोग कैसे बदलेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आपको इजी तरीके से मिल जाएगा, स्मार्टली जिसको कहते हैं। तो a प्लस सी इक्वल टू जीरो, अब यहां पे x को कंपेयर करते हैं तो 4a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 3, क्योंकि x का कोफिशियंट यहां पे 3 है, 3x, तो 4a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 3, और फिर तीसरा 3a प्लस 3b और प्लस सी इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि उसका कोफिशियंट माइनस 2 है, राइट स्टूडेंट। अब ये आपका इक्वेशन, आप इसको 1, 2 और 3, अब कैसे आपको लटपट करके इधर मैनिपुलेट करके आपको ए बी सी चाहिए, जैसे भी आपको है। तो अब फ्रॉम 1 ए इक्वल टू माइनस सी, यहां से आप ले लो ए इक्वल टू माइनस सी, इतना लिखने का नीड नहीं है कि कहां से क्या लिया। एनीवे अब ए इक्वल टू माइनस सी आप इसमें भी डालो और इसमें भी डालो, तब दो वेरिएबल मिलेगा बी और सी के टर्म में, फिर क्लास टेंथ की तरह उसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करो, वहां से आपको बी और सी मिलेगा, फिर यहां पे डालो फिर ये मिलेगा, कितना लंबा होता जाता है। एनीवे ए इक्वल टू माइनस सी, अब ए इक्वल टू माइनस सी पुट इन टू तो अब 4 × a के बदले में माइनस सी, तो माइनस 4c हो गया, ठीक है, और प्लस बी और प्लस 2c इक्वल टू 3, तो ये फिर क्या हो गया, ये हो गया आपका माइनस 2c और प्लस बी, तो बी माइनस 2c इक्वल टू 3, ये इक्वेशन हो गया 4, ये इक्वेशन हो गया 4। अब फिर a का बदले में यहां पे पुट करेंगे माइनस सी, तो ये हो गया माइनस 3c और प्लस 3b और प्लस सी इक्वल टू माइनस 2, तो इट इंप्लाइज दैट माइनस 3c प्लस सी माइनस 2c और प्लस 3b, तो 3b माइनस 2c, राइट, 3b और माइनस 2c और इक्वल टू माइनस 2। अब हम बी को काटने के लिए, बी को हटाने के लिए, इलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सी को इलिमिनेट करने के लिए अगर सिर्फ हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो सी ऐसे ही हमारा हट जाएगा। तो नाउ अब हम फ्रॉम फोर एंड फाइव, तो स्टूडेंट इतना मशक्कत तो करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया बी माइनस टू सी, एक और मेथड है, हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वो मेथड जैसे एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस 1, फिर एक्स इक्वल टू माइनस 3, बट वो चीजें आपको सब सवाल में सुटेबल नहीं होगा, इसलिए जो सब में सुटेबल होगा हम वही करके आपको दिखला रहे, ठीक है, जो सब में ऐसे आपको सब में सुटेबल होगा। तो इस तरह से बी माइनस फ्रॉम दिस एंड दिस, तो बी माइनस टू सी, या ऐसे कर लो आप, यहीं पे तो आपने लिखा ये, दोबारा क्यों लिखोगे, यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है, ये दोनों कट गया, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, तो ये हो गया माइनस टू बी, माइनस टू बी इक्वल टू 5, देयरफॉर बी इक्वल टू माइनस 5/2, बी का वैल्यू आपको निकालना है, बी का वैल्यू माइनस 5/2, अब पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 4, तो माइनस 5/2 माइनस 2c इक्वल टू माइनस 3, माइनस 5/2 माइनस 2c इक्वल टू 3, दिस वन, ठीक है। तो अब ये माइनस 2c इक्वल टू 3 प्लस 5/2, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 2c इक्वल टू 6 प्लस 5 11/2, तो देयरफॉर सी इक्वल टू माइनस 11 बाय फोर। अब ये सी का वैल्यू निकला, और फिर ए इक्वल टू निकल जाएगा, यहां पे माइनस डाले तो ए इक्वल टू 11/4,
तो ये हमें निकालने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ए बी सी, ए का वैल्यू निकल गया आपका 11/4। मैं थोड़ा बुक से टैली कर लूं तो ठीक रहेगा। ए का वैल्यू आपका इलेवन बाय फोर माइनस फाइव, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट, एकदम से परफेक्ट है। ठीक है, तो ए बी सी निकल गया और अब हम यहां पे इरेज करते हैं और अब इसको कैसे इंटीग्रेट करके आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। ये सारा मैं इरेज करता हूं यहां से। इसके बाद नाउ इंटीग्रेटिंग, अब हम लिखेंगे ए बी सी निकलने के बाद। आपको ए बी सी ध्यान रखने की बात है, वो आप अभी नहीं मिटाना जब तक आप वैल्यू नहीं पुट कर देते हो। नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग ए का वैल्यू आपके पास क्या है 11/4, तो 11/4 बाय दिस, तो आप 11/4 को बाहर रख लो और इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x+1) और ये dx प्लस प्लस बी का वैल्यू क्या है -5/2, तो आप यहां पे डाल दो -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x+1) का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, 1/(x+1) का होल स्क्वायर डीएक्स और प्लस सी कितना है -11/4, तो -11/4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x+1) का x+3 -x+3 और डीएक्स। और अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो गया आपका। ठीक है, तो दैट मीन्स हाँ 11/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x+1) और उसके बाद 11/4 दिस वन और dx अपॉन दिस वन। ठीक है, तो इसके बाद अब आप यहां पे कर दो 11/4 log(x+1) log mod x+1 और -11/4 log mod x plus 3 इन इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन और -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये अभी आप रहने दो, x+1 का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, अब इस कंडीशन में इस वाले पार्ट को आप लिख दो 11/4 कॉमन, तो log दिस माइनस log दिस, तो ये क्या हो गया 11/4 आपने कॉमन लिया तो log दिस माइनस log दिस, तो log n/n log(x+1)/(x+3) ये आपका मॉड में इतना आ गया। इन दोनों का रिजल्ट हो गया -5/2 और अब इसको आप फिर a/(x+1) और b/(x+1) का होल स्क्वायर, उस तरह से फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट, सो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस में। तो 13 हमारा हो गया, अब हम आएंगे 12, जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम हो, है ना। मैंने कहा था कि उसमें हम अलग कुछ अप्लाई करते हैं तो वो टाइप्स पे आते हैं। ये टाइप में हमने देख लिया कि दो वेरिएबल वन ए और बी है तो कैसे बनाए, तीन वेरिएबल रहेगा तो कैसे बनाएंगे, हाँ, और इससे ज्यादा तो रहता ही नहीं है, बस दो या तीन ही रहता है। और फोर वेरिएबल अगर कभी यूज होता है तो वो मैं आपको इस मेथड से नहीं, एक दूसरा और अच्छे मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और स्मार्टली आप उसको सॉल्व कर सकते, क्योंकि इस वाले में तो अटक जाओगे, इतना लंबा स्ट्रेच ए बी सी डी का कैलकुलेशन और उसको कंपेयर करना, उसमें तो हरगिज नहीं कर पाओगे, पूरा टाइम खराब हो जाएगा, है ना, तो वो चीज नहीं करना है। तो तीन वाला को आप ऐसे करो, तीन वाला को, और मैंने बताया कि हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट वो मेथड्स
मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें हर सवाल पार्शियल का हर सवाल जो इस पे बेस्ड है भी वो चीजें अप्लाई नहीं हो पाता और आपको वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए बिल्कुल जो आप स्मूथली काम कर सकते हो वही चीजें हम लेके चले, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल 12 पे। एग्जाम्पल 12 राइट, तो ये क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन कहता है x square plus 1 upon x square minus 5x plus 6 और dx। स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन, मैंने आप लोग के साथ वही लेके चला क्योंकि वो चीजें कितनी जगह यूज है, बहुत स्टूडेंट को पूरा बोर्ड तक में डिफिकल्टी फील होते रहता है, तो इसीलिए और बहुत प्रॉपर ढंग से तरीके से है ना सारे क्लासेस में आप लोग को मैंने बताया है। जब भी कभी कोई एग्जाम हो मेरे वीडियोस को देखो, आप बहुत हेल्प करेगा, आपको पूरी तरह से समझ जाओगे और कोई सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे x का डिग्री क्या है, 2 है। न्यूमरेटर में x डिग्री क्या है, 2 है, तो सेम डिग्री है, तो हम इसको a अपॉन b अपॉन तो लिख ही नहीं सकते है ना। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिग्री हो जाता है तो मैंने कहा कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे। तो अब x square minus, now we use लॉन्ग डिवीजन मेथड। x square minus 5x plus 6 डिवाइड करते हैं x square plus 1 से। आप यहां भी लिख सकते हो और यहां भी लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, जहां डिवीजन का लिखने का तरीका ऐसे। अब यहां पे x square है तो ये तो वन टाइम ही गया, ये तो वन टाइम ही गया। अब यहां x square minus 5x plus 6 हो गया, और अगर यहां पे 3x square होता तो 3 टाइम्स जाता। हम सिर्फ इसका पहला और इसका पहला वाला को ही देखते हैं, बाकी को नहीं देखते। अगर 3 टाइम्स जाता तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते, जो एक नॉर्मल डिवीजन का रूल है, ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में अपने 9th और 10th चैप्टर में पढ़ा होगा। और अगर डिवीजन में आपको इश्यूज है तो प्लीज गो टू क्लास 10th सेकेंड टॉपिक पॉलिनोमियल, राइट। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होगा, क्या बचेगा, कितना से डिवाइड होगा, ये सब चीजों में प्रॉब्लम है तो आप क्लास 10th का सेकेंड टॉपिक पॉलिनोमियल पढ़ो। और फिर अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो लिखो मुझे कि मेरे को आप एक बार पॉलिनोमियल का भी डिस्कस कर दीजिए, हमें डिफिकल्टी आ रही है, तो उस तो मैं फिर वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये माइनस प्लस माइनस, अब ये कट गया, तो ये 5x और प्लस 1 और माइनस 6 तो माइनस 5 राइट। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसको इस वाले चीजों को x square plus 1 upon x square minus 5x plus 6 को लिख सकते हैं 1 plus this 5x minus 5 upon x square minus 5x plus 6, ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। सपोज करो 13 अपॉन 4 है, तो आपने 4 से 13 में डिवाइड किया, 3 टाइम्स किया 12 और 1। अब इसको लिखने का तरीका दिस प्लस, तो 3 plus 1 by 4, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 plus 1 by 4। क्यों? क्योंकि आपने 4 एलसीएम लिया तो ये हो गया 4 3 12 plus 1 13 by 4। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 1 by 4 मिक्स फ्रैक्शन में 3 1 by 4, तो 4 3 12 और 1 13 by 4। ये दोनों तरीके, तो चूंकि यहां पे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, यहां पे हमें इंटीग्रेशन में ब्रेकअप करना है, स्प्लिट करना है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम ये वाला बात लिखेंगे दिस प्लस दिस अपॉन दिस। हमने यहां पर वही किया दिस प्लस दिस अपॉन दिस, ठीक है। और अब ये इंटीग्रेशन करना है, तो दैट मीन्स
यहां भी इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे, ठीक है, और यहां भी इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे, तो 1dx यानी dx जिसका इंटीग्रेशन तो होता है x। और अब ये चीजें, अभी बिल्कुल वही पार्ट आ गया कि a अपॉन b अपॉन, यहां पे x का डिग्री 2 और यहां पे x का डिग्री 1, ठीक है। तो अब इसको हम a अपॉन और b अपॉन करके करेंगे, तो a अपॉन और b अपॉन करने के पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका फैक्टर लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट x प्लस आई वन इसका नाम दे दो, क्योंकि जो सवाल होते हैं वो i होता है, अगर उसके अंदर भी और इंटीग्रेशन बने तो उसको हम आई वन आई टू ऐसे नाम देते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने आई वन दिया। और अब हम आई वन को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट, और बाद में सबसे एंड में प्लस सी तो लगाएंगे ही, तो जो रिजल्ट आएगा, यहां पे ये सवाल का दो हिस्सा था, मतलब यहां पे इंटीग्रेशन आपका साइन है, डीएक्स है आपका, ठीक है, तो इसका तो एक्स निकल गया, और ये वाला पार्ट बिल्कुल एग्जाम्पल 11 पे चला गया जो अभी हमने आपको बनाया, तो उसको आपको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एक्स प्लस दैट इज द फाइनल रिजल्ट। तो ठीक है, अब हम लोग आई वन को सॉल्व करते हैं। तो आई वन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन, और ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा ये तीसरा सवाल, मैंने बताया था इसके सवाल लंबे लंबे होते हैं, बट बाकी एक्सरसाइज में सब इसी पे बनेगा, इसी पे सारे बनेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट 5x माइनस 5, ठीक है भाई, 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। एक 12th के स्टूडेंट को इतना बताने का नीड नहीं होना चाहिए कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो अब ये 5x माइनस 5 और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6। आप इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 5x माइनस 5 और यहाँ पे x कॉमन लिए तो x माइनस 2 और -3 कॉमन लिए तो x-2, तो अब ये हो गया 5x-5 अपॉन x-2 इनटू x-3, राइट। अब क्योंकि हम a अपॉन b अपॉन जो करते हैं वो ऐसे नहीं करते हैं, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, ऐसे, तो ठीक है। अब हम लोग a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x-3 ऐसा कर सकते हैं, तो देयरफॉर a अपॉन हमारा हो गया x-2 और प्लस b अपॉन x-3, और यहां पे जो था वो था 5x-5 अपॉन जो भी है, यहां पे आप x²-5x+6 लिखो, चाहे वो फैक्टर लिखो, एक ही बात है। अब यहां पे x-2 इंटू x-3, a से गया तो इससे गया तो ये बचा, तो अब डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर ही दो, तो ax-3a और प्लस इससे जब गया bx-2b, राइट स्टूडेंट्स। अब ये a प्लस ये पार्ट कट जाता है हमेशा, तो a प्लस b इंटू एक्स और -3a-2b, राइट। अब हम कंपेयर करेंगे, तो नाउ कंपेयरिंग ले दे के फिर से वही वाली बात हो रही है ना, तो नाउ कंपेयरिंग, अब उस कंडीशन में a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि x का मल्टीपल इधर 5 है, और दूसरा पार्ट जो आपका स्पेयर जिनमें x वगैरह नहीं है वो पार्ट क्या बना, तो -3a-2b इक्वल टू -5, ठीक है भाई। तो इस केस में हम a इक्वल टू 5-b, हमने x को ये कंपेयर किया a प्लस b इक्वल टू 5 और -3a-2b इक्वल टू -5,
इस केस में आप एक और काउंट कर सकते हो कि माइनस कॉमन ले लो तो 3a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 5 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 5 है। a आपका निकल चुका है 5 माइनस b, a का वैल्यू आप पुट कर दो तो सेकंड में तो 3 इंटू ए मीन्स 5 माइनस बी और प्लस 2b इक्वल टू 5 तो देन 15 माइनस 3b और प्लस 2b इक्वल टू 5 तो ये हो गया माइनस बी इक्वल टू 5 माइनस 15 मतलब माइनस 10 तो b निकल गया आपका 10 और a इससे 5 माइनस 10 तो a इक्वल टू 5 माइनस 10 यानी a हो गया माइनस 5। अब a हो गया माइनस 5, b हो गया 10। अब नाउ इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रल साइन ऑफ a का वैल्यू डालो माइनस 5, आप माइनस 5 बाहर करो 1 अपॉन x माइनस 2 dx और b का वैल्यू 10 बाहर कर दो और अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3 और ये dx और अब ये माइनस 5 log x mod x माइनस 2 और प्लस 10 log mod x माइनस 3 राइट हाँ जी और प्लस c जो फाइनली। और स्टूडेंट आप यहां पे log m प्लस log n या log m माइनस log n कुछ नहीं लगा सकते क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ मल्टीपल है, कोफिशियंट है। अगर ये सेम मल्टीपल रहता तो हम बाहर कॉमन लेते फिर आपका कोई फॉर्मूला लग भी सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 10 है तो आपका यूज में नहीं आएगा। और अगर फिर भी आप यूज में इसको करना चाहो तो आप एक तरीका से कर सकते हो इसको 5 into 2 और वो भी यहाँ पे माइनस 5 है तो ये पावर को हम उधर कर लेते हैं क्योंकि लॉग का हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा है log m into n इक्वल टू log m प्लस log n एक ये होता है और log m by n इक्वल टू log m माइनस log n और एक log m का पावर n इक्वल टू n log m। इसके अलावे भी बहुत सारे और भी हैं लेकिन हम लोग इन जनरली ये 3 फॉर्मूला यूज करते हैं। ये n log m के फॉर्मेट में होता है लेकिन क्या कहते हैं अगर हम उसको n को उधर कर देते हैं पावर में कर देते हैं ठीक है, यानी कि कभी अगर ये फॉर्मेट होता है तो हम log m का पावर n लिख सकते हैं। तो सपोज अभी अगर आपका माइनस नहीं रहता तो आप 5 को यहां पे कर देते यानी log x माइनस 2 का पावर 5 ऐसा भी कर सकते थे, या अगर ये आपका माइनस नहीं रहता तो आप कर सकते थे कि 5 log x माइनस 2 प्लस 2 इंटू 5 तो 5 अपना रहने तो वो वाला 2 हमारा यहां का स्क्वायर चला गया, अब दोनों में 5 कॉमन आ गया लेकिन यहां इसके साथ माइनस भी है। अब माइनस के केस में एक और बात बताता हूं आपको, कभी भी अगर माइनस log m है इसका मतलब हुआ log of 1 upon m ठीक है, log mod 1 upon m जब अगर log के आगे माइनस रहेगा तो हम उसको log का आंसर माइनस में नहीं देना चाहिए उसको प्लस में लिखना चाहिए तो प्लस जब लिखेंगे तो ये 1 upon बन जाएगा ठीक है स्टूडेंट। सो यहां हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है कोई फॉर्मूला यूटिलाइज करने का, तो इसके पहले आपको याद होगा एक हमारा x पार्ट बचा हुआ था तो इसका जो फाइनल आंसर होगा therefore i इक्वल टू आपका एक सिंगल जो 1 dx का इंटीग्रेशन हमने निकाला था वो x था x और फिर ये पार्ट यानी कि माइनस 5 log x माइनस 2 और प्लस 10 log x माइनस 3 और प्लस c तो ये आपका 12 नंबर जिसमें कि डिग्री इक्वल होता है तो उसको हम ऐसे बनाते हैं और 2 कांस्टेंट 3 कांस्टेंट वाले को कैसे किए वो हमने आपको दिखाया। चलो
अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अब इस एग्जांपल 14, यही चीज मैं आपको 4 वाला जो कह रहा था ना, 4 वाली बातें भी अब आपको बताता हूं। देखो स्टूडेंट, 4 वाला जो मैटर था, हमने 2 ए बी देख लिया, ए बी सी देख लिया। अब चाहे तो हमारे पास 4 वाला ए बी सी डी वाला भी आ गया, लेकिन हम उसको वैसा करेंगे नहीं, तो वो चीज हम आपको बताते हैं कि कैसे करना। एग्जांपल 4, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन x² + 1 और फिर x² + 4 और dx, ठीक है। अब हम इस पर पहले थोड़ा बात करते हैं, फिर इसका काम करते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, जब भी कभी डिनोमिनेटर में हमने एक आपको पैटर्न बताया था, याद है आपको, कुछ भी यहां पे रहेगा px + q, यहां पे एक पैटर्न, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। एक मैंने आपको पैटर्न बताया था कि अगर हमारे पास ऊपर में px + q रहे या कुछ भी रहे और नीचे में अगर आपका सपोज करो x + 2 है और यहां पे कुछ क्वाड्रेटिक है x² - 3x + 4 कुछ भी है, यानी कि दो टर्म x² + 4 भी हो, वो भी एक क्वाड्रेटिक हो गया क्योंकि x का हायर पावर 2 हो गया, या x² कुछ भी तीनों टर्म हो, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो इसको हमने ब्रेक करने के लिए बताया था a अपॉन ये पहला फैक्टर और प्लस bx + c अपॉन, जहां भी क्वाड्रेटिक होता है वहां ऐसे हमको ब्रेक करना पड़ता है, और अपॉन ये वाला क्वाड्रेटिक x² - 3x + 4। फिर हम इसको फैक्टर बनाएंगे राइट, बट वैसे हम फैक्टर बनाएंगे तभी हम आगे का सॉल्व करेंगे। तो bx + c अपॉन दिस, ये लिखने का तरीका था, ठीक है, वो पैटर्न में हमने बताया था। अब मैं इसको मिटाता हूं, और अगर मैं जहां पे क्वाड्रेटिक होगा वहां पे हमको दो कांस्टेंट को एक साथ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे नॉर्मल तरीके से लिखूं तो हमारे पास हो जाएगा ax + b अपॉन, क्योंकि ये पहला क्वाड्रेटिक x² + 1 और प्लस cx + d अपॉन x² + 4। आपके पास 4 वेरिएबल आ गए। अब आपका हालत बिगड़ जाएगा अगर आप ऐसे करके सॉल्व करके 4 वेरिएबल का वैल्यू निकालना चाहोगे, तो बहुत ट्विस्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो हम यहां पे 4 वेरिएबल जब रहता भी है हम ऐसे नहीं करते हैं अभी। अब आपको इस जगह, ठीक है, जो पैटर्न था वो था अगर एक फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक है, यहां पे दोनों क्वाड्रेटिक है तो यहां पे वो पैटर्न काम नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको क्या कहा कि हम 4 वेरिएबल को a/b/a में ax + b और cx + d वैसा भी यूज नहीं करेंगे। फिनिश नाउ। अब इस टाइप के सिचुएशन में भी दो रास्ते, दो तरह की बातें होती है, दो तरह की बातें क्या होगा, मतलब अगर हम सपोज करो लेट x² + 1 = हमने टी माना, x² को हमने टी माना, अगर हम x² को टी माने और इसका डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर आ जाए, जैसे सब्स्टिट्यूशन जैसे हमेशा आते रहे, दो बातें होगा, यहां भी कोई कंफ्यूजन में नहीं आना है। इतनी बारीकी से मैं दावे के साथ कहता हूं आपको स्कूल में नहीं समझाया जाएगा, ये आपको मैं अपना समझकर ही इस तरह से, अदरवाइज इसमें ये होगा उसमें वो होगा, हम भी स्कूल में काम करते हैं तो हमारे पास भी एक लिमिटेशन होते हैं।
जिन बच्चों को ग्रैप करना होता है वो पकड़ लेता है, नहीं तो छूट जाता है, छूट जाता है, वो फिर अपना अलग तरीके से अलग सोर्सेस से उसको पढ़ेगा। तो मैंने वो दोनों बातें कहां यूज होना है कहां यूज नहीं होना है दोनों बातें आपको बताया। नेक्स्ट देखो, मैं कोई भी किसी भी के तरीके को, या मैं कोई भी, मेरे यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे स्कूल के टीचर्स मेरे इस पे हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये मैं नहीं कहता कि वो समझा नहीं सकते, वो बिल्कुल समझा सकते हैं, उनके पास हो सकता है थोड़े बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन इन जनरल बहुत और दिखाना होता है, बहुत समझाना होता है, 40 बच्चों की बात होती है एक एक बैच में, तो इतनी बारीकी से वो जा पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं कहते कि वो इतना मुश्किल होता है, थोड़ा मैंने देखा भी है कि ऐसा होता है। एनीवे, अब यहां पे दो बातें होगा कि अगर आप एक्स स्क्वायर को टी मानोगे और अगर डिफरेंशिएट करो और न्यूमरेटर आपको आ जाए, न्यूमरेटर जैसे आपको 2x dx इक्वल टू dt, यानी अगर आपका x dx आपके पास x रहता, x, तब तो हम ये काम करते कि ये काम करते कि x dx इक्वल टू dt by 2, तब तो हम वो बातें फिर हो जाता हमारे पास दिस वन और ये t प्लस वन, ये t प्लस टू, और यहां पे हम 1/2 बाहर लेते और फिर a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर, नॉर्मल सवाल की तरह बना देते, ठीक है। बट यहां पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2x dx नहीं है, यहां भी एक्स स्क्वायर है। तो एक केस होता है कि जब आप डिफरेंशिएट करो ऊपर वाला मिल जाए तब तो नॉर्मल तरीके से चलेगा, और दूसरा जब आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाला आपको नहीं मिलेगा, तो आपको कैसे करना पड़ेगा। तो इस केस में एक्चुअली में अब हम आएंगे कि इस केस में अब हम क्या करेंगे, इस केस में अब हम क्या करेंगे। तो लेट हम एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे लेकिन डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, हम नहीं कर सकते तो इसलिए करेंगे नहीं। तो अब आपका ये चीज बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर टी अपॉन टी प्लस वन और इंटू टी प्लस फोर, ये बन गया आपका, ठीक है। यानी कि ये पैटर्न बन गया, आप इसको इंटीग्रेशन भी छोड़, इंटीग्रेशन छोड़ो, टी अपॉन टी प्लस वन और टी प्लस फोर। अब आप इसको ए अपॉन बी अपॉन करो और वह कहां पे आपको कन्वर्ट करना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो a अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस फोर, ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस फोर, ऐसा ही करते हैं। फिर आप इसका एलसीएम निकालो, टी प्लस वन इंटू टी प्लस फोर, फिर a इंटू टी प्लस फोर हो गया, तो ए टी प्लस फोर ए इंटू टी प्लस वन हो गया, है ना। और इससे जब दिए तो प्लस बी टी प्लस बी, राइट। जब टी प्लस वन से टी प्लस फोर वाला फैक्टर बचा तो ए टी प्लस फोर ए, जब ये गया तो ये बचा, तो बी टी प्लस बी, बी टी प्लस बी, तो अब ये और ये कट गया, तो अब ये हो गया, अब ये हो गया ए प्लस बी इंटू टी और प्लस 4a प्लस बी। तो नाउ कंपेयर, अब हम कंपेयर करेंगे, यहां पे t है, नाउ कंपेयरिंग, तरीका यही है लेकिन एक जगह आप कहां पे वैल्यू कैसे डालोगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो a प्लस बी इक्वल टू वन, क्योंकि t इधर t है उसका कोफिशियंट 1 है तो इसलिए 1 हो गया, और दूसरा 4a प्लस बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि उधर कोई कांस्टेंट पार्ट नहीं है, राइट। सो ए प्लस बी इक्वल टू वन, यहां से ए इक्वल टू वन माइनस बी, ए इक्वल टू वन माइनस बी, अब वो ए इक्वल टू वन माइनस बी यहां पे पुट किए तो फोर इंटू वन माइनस बी और प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो फोर माइनस फोर बी प्लस बी
इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस थ्री बी, माइनस थ्री बी इक्वल टू माइनस फोर, माइनस माइनस कैंसिल, बी इक्वल टू फोर बाय थ्री। अब b इक्वल टू फोर बाय थ्री यहां पुट करेंगे तो a इक्वल टू वन माइनस फोर बाय थ्री। अब तो ये हो गया आपका थ्री माइनस फोर यानी माइनस वन बाय थ्री, a हो गया माइनस वन बाय थ्री और b हो गया फोर बाय थ्री। तो हम लोग जब इंटीग्रेशन में, अब जब पीछे में हम t जिसका डिफरेंशिएट यहां पे हो पाता है, यानी कि इनफैक्ट जो एग्जांपल 11, 12 ये सब हम करते आ रहे हैं, अब a का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वन बाय थ्री और इंटीग्रेशन a, a का वैल्यू है माइनस वन बाय थ्री, वन अपॉन t प्लस वन। तो अब हम उसमें करते थे t प्लस वन और फिर उसका लॉग t प्लस वन हो जाता था इंटीग्रेशन। ध्यान दो, जब हम यहां a और b हम लिख देते थे ऐसे t प्लस वन, ठीक है, और dt, तो इसका इंटीग्रेशन होता था लॉग t प्लस वन, इसी तरह से इसका फिर अगर मर्ज हो पाता था तो करते थे, नहीं तो वहीं पे आंसर। यहां पे यही मतलब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते थे, जिनमें डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता वहां पे सिर्फ हम ये काम a और b के वैल्यू निकालने तक करते हैं। उसके बाद t को पहले आपको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, x में कन्वर्ट करना पड़ेगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर b का वैल्यू है 4 बाय थ्री प्लस 4 बाय थ्री इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dt, राइट। सो मैं फाइनली कंक्लूड करता हूं, कंक्लूजन मेरा ये है कि जिनमें अगर डिफरेंशिएट यहां हो पाता उनमें हम t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करते, और जिनमें डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा उनमें हम t को पहले x में बदल लेंगे तब इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज द कंक्लूजन पार्ट। जो चीज अगर हमारा ऐसा रहेगा और अगर ऊपर में कुछ इस टाइप का हुआ जो कि हमारा डिफरेंशिएट कर देने से हमारा सब कुछ टी के टर्म में निकला, उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और ऐसे सॉल्व करने के बाद टी के टर्म में ही जैसे यहां होता है ए अपॉन टी प्लस वन बी अपॉन टी प्लस फोर, तो टी के टर्म में ही हम इंटीग्रेट करेंगे। कब? जब ये हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका था, यानी डिफरेंशिएशन करने पर हमें न्यूमरेटर मिल रहा था, और अगर हमें ऐसा नहीं है, हम डिफरेंशिएशन उसको नहीं किए हैं उस जगह, उसका जरूरत नहीं पड़ा है, तो हम टी को एक्स में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और तब इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। अब हम अभी आते हैं इसका डिफरेंशिएशन, आपको फॉर्मूला तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब फॉर्मूला में क्या है, एक है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर कभी या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात है, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, तो उसका होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, सी तो रह गई, 1 अपॉन कॉन्स्टेंट पार्ट, ठीक है, cos 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहां पे ये दोनों फॉर्म इसी फॉर्मूला पे जाएगा, तो मैं इसको फिर से ऊपर से मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से ए अभी हमारा यहां पे था माइनस वन बाय थ्री, इस ये पोर्शन था हमारा माइनस वन बाय थ्री, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर हमारा वन है, तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो वन बाय ए यानी वन बाय वन, तो वन ही हो गया, लिखने का नीड भी नहीं है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी एक्स बाय ए,
एक्स बाई वन, यहां पे ए हमारा वन है क्योंकि वन का स्क्वायर वन, तो वन बाय ए यानी वन बाय वन वन ही हो गया। टेन इनवर्स एक्स बाय ए, टेन इनवर्स एक्स बाय वन, वो टेन इनवर्स एक्स ही हो गए, तो इतना हो गया। और प्लस फोर बाय थ्री, यहां पे ए क्या है, टू है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पैटर्न यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। तो इस तरह से फोर बाय थ्री टेन इनवर्स, टेन इनवर्स नहीं पहले वन बाय ए यानी वन बाय टू क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर है वो, ठीक है। तो वन बाय ए यानी वन बाय टू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स बाय टू, राइट। और प्लस सी, तो इस तरह से आपका माइनस वन बाय थ्री टेन इनवर्स एक्स, और प्लस ये कट गया, ये प्लस टू बाय थ्री टेन इनवर्स एक्स बाय टू और प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। अब इस तरह से नेक्स्ट आप एक और देखो एग्जाम्पल 15। बिल्कुल मैं खुद भी एक बार आंसर मैच कर लेता हूं, तो बिल्कुल आंसर परफेक्टली मैच हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एग्जांपल 15। एग्जांपल 15 इज 3 साइन 5 इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक वाला कभी कभी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, 3 साइन 5 माइनस टू इंटू कॉस फाइव इंटू कॉस फाइव अपॉन फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव, राइट, और माइनस फोर साइन फाइव, माइनस फोर साइन फाइव और डी फाइव। तो वेरिएबल फाइव हो या कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा बीटा थीटा गामा साई फाई कप्पा लेमडा ए डिग्री कोई भी एंगल हो, साइन ए कहें साइन सी कहें साइन एक्स कहें साइन थीटा कहें, सब एक ही चीज है, साइन अल्फा कहें, ठीक है। तो यहां पे फाइव को हम इसको पहले क्या करते हैं, अगर मैं साइन फाइव को टी मानूंगा तो कॉस फाइव डी फाइव तो हमको मिल जाएगा, बट यहां पे फिर हमको कन्वर्जन में दिक्कत आएगी, है ना। तो कॉस स्क्वायर फाइव को तो हम कुछ लिख नहीं सकते, इसीलिए उसको हमको पहले साइन स्क्वायर मतलब साइन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो अदरवाइज हम साइन फाइव को मानेंगे तो कॉस फाइव डी फाइव हमको मिल रहा है, तो ये आपका आई है। तो नाउ यू कन्वर्ट फर्स्ट 3 साइन फाइव माइनस टू इंटू कॉस फाइव, कॉस फाइव अपॉन फाइव माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव माइनस फोर साइन फाइव, माइनस फोर साइन फाइव और डी फाइव, राइट। सो अब ये हो गया, अब ये हो गया आपका 3 साइन फाइव, 3 साइन फाइव माइनस टू इंटू कॉस फाइव, कॉस फाइव अपॉन, ठीक है, वन फाइव माइनस और इसको वन माइनस साइन स्क्वायर, अब इसको खोल दो आप, फाइव माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर फाइव, प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस वन और माइनस फोर साइन फाइव, माइनस फोर साइन फाइव और डी फाइव। तो ये फिर से और हो गया आपका 3 साइन फाइव माइनस टू इंटू कॉस फाइव अपॉन
साइन स्क्वायर फाइव माइनस फोर साइन फाइव और प्लस फोर और डी फाइव, राइट। अब प्रॉपर हमारा बन गया। अब लेट साइन फाइव इक्वल टू टी, लेट साइन फाइव को कुछ भी मान लो, तो हम जनरली टी मानते हैं, तो देयरफॉर इसका डिफरेंशिएट हो गया कॉस फाइव डी फाइव इक्वल टू डी टी। साइन फाइव इक्वल टू टी इट मीन्स कॉस फाइव डी फाइव इक्वल टू डी टी, तो देन आई इक्वल टू थ्री टी माइनस टू, थ्री टी माइनस टू और कॉस फाइव डी फाइव हमारे डी टी है, अपॉन टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर, टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर। अब इसको हम माइनस टू टी, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस टू टी और डी टी, या फिर इसको डायरेक्टली हम थ्री टी माइनस टू अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर डी टी, थ्री टी माइनस टू अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि जो फैक्टर्स बनेंगे वो टी माइनस टू इंटू टी माइनस टू। अब इस चीज को अब मैं फिर से, आप ये चीजें आपने देख लिया, चलो इसको मैं इरेज करता हूं, फिर वहां पे जो सेकेंड पैटर्न मैंने आपको बताया था वो चीज अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब ये हमारा 3t माइनस टू अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन टी माइनस टू और प्लस b अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि ऐसे ये कर हम लिख सकते हैं इसको। अब ये t माइनस टू का होल स्क्वायर, तो a इंटू टी माइनस टू एक बचेगा यहां पे और प्लस b, तो ए टी माइनस टू ए प्लस बी, ये और ये कट गया, ए टी माइनस टू ए प्लस बी। नाउ कंपेयरिंग सो ए टी इक्वल टू थ्री टी मीन्स ए इक्वल टू थ्री, ए टी इक्वल टू थ्री टी तो ए इक्वल टू थ्री एंड माइनस टू ए प्लस बी, माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस टू। अब ए का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो माइनस टू इंटू ए का वैल्यू हमारा थ्री है इंटू थ्री प्लस बी इक्वल टू माइनस टू, तो ये बी इक्वल टू माइनस टू और ये हो गया माइनस सिक्स, उधर जाकर प्लस सिक्स, तो देयरफॉर बी इक्वल टू फोर, ए इक्वल टू थ्री और बी इक्वल टू फोर। अब हम यहां पे इंटीग्रेट करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रल ऑफ ए बाय टी माइनस टू, ए इज थ्री तो थ्री अपॉन वन बाय टी माइनस टू डी टी प्लस बी फोर इंटू वन बाय टी माइनस टू होल स्क्वायर डी टी। अब ये फिर हो गया थ्री लॉग टी, थ्री लॉग टी माइनस टू, ठीक है, बी अपॉन ये हमारा ए अपॉन टी माइनस टू और प्लस बी अपॉन वन अपॉन टी माइनस टू होल स्क्वायर और प्लस यहां पे b अपॉन एक्स माइनस टू, थ्री वाई माइनस टू ए अपॉन यस, तो देन इस तरह से अब फिर आप यहां पे फिर आप इसको t माइनस टू का होल स्क्वायर, तो t माइनस टू को हम z मानेंगे, नाउ t माइनस टू इक्वल टू z, ठीक है, फिर आप यहां पे लिख दो 4 इंटू आई टू,
और फिर I2 को जब आप इंटीग्रेट करोगे I2 को, तो आपने 7.2 एक्सरसाइज में ये किया बनाया है कि लेट t माइनस टू इक्वल टू z, तो dt इक्वल टू dz, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेट 1 बाय dt, मतलब कि t माइनस टू जिसको z माने 1 बाय z स्क्वायर, और dt हमारा dz हो गया। तो अब ये इंटीग्रेट z का पावर माइनस टू है dt, तो z का पावर माइनस टू प्लस 1, तो z का पावर माइनस 1 और अपॉन माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन z, ठीक है। और प्लस c, माइनस 1 अपॉन z प्लस c, तो फिर ये हो गया माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 प्लस c। तो ये आपको तरीका था इसको इंटीग्रल करने का, तो अब डायरेक्टली हमने कर लिया, इसलिए अब आप लिख लो ये प्लस माइनस मिलकर माइनस 4 इंटू 1 बाय दिस 1, तो 4 बाय दिस 1 लिख लो, माइनस 4 बाय टी माइनस 2, अब टी माइनस 2, ठीक है। और टी अब वैल्यू पुट कर दो प्लस सी, राइट। अभी आपका सवाल टी आपका माना हुआ वेरिएबल है, तो 3 लॉग टी आपका क्या था, साइन 5 माइनस 2 माइनस 4 बाय साइन 5 माइनस 2। अगर आप यहां पे माइनस कॉमन लेते हो तो 2 माइनस साइन 5 हो जाएगा, तो उस केस में यहां पे प्लस हो जाएगा और प्लस सी। तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट सारे पैटर्न के सवालों को हम लोग इसी तरह से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक आध और सवाल दिखला देंगे इसका, और फिर बात करेंगे फिर सम स्पेशल इंटीग्रल पे, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे फिनिश करते हैं आज, और आपने उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझा होगा। अगर कोई डिफिकल्टी फिर भी आता है, कोई भी क्वेरी, तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम, एकदम आप बिल्कुल आराम से पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और क्लास एंड के बाद मैं जैसे हमेशा आपको ये एक लाइन कहता हूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देखो, आपको देवघर फाउंडेशन के ये में तो सब कुछ है ही है, सभी लोगों का है, मेरा भी है, लेकिन उसमें खूब सारे पोस्ट के वजह से अगर आपको ढूंढने में प्रीवियस ढूंढने में आपको डिफिकल्टी हो, क्योंकि इन बिटवीन जब से लेता जा रहा हूं तो कितने सभी लोगों का क्लास होता तो बढ़ता जा रहा है, तो इसी चीजों को कन्वीनियंट सिचुएशन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल देखो, ठीक है। वो राजहंस ट्यूटोरियल्स, ये हर क्लास में मेरा मिल जाएगा, राजहंस ट्यूटोरियल्स, ठीक है। आप मेरे फेसबुक में, वहां पे मैं आपके लिए बताऊं कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे एफबी में देवघर के, मोस्टली उधर से ही है। तो इस तरह से आप अपने फैमिली में मेंबर में जानना चाहोगे, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, रीजन भेज सकते हो, कुछ भी आप कोई भी यूट्यूब में कमेंट भेज सकते हो, तो व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हो, कुल मिलाकर आपको फायदा उठाने की बात है। तो आप कैसे भी कंसल्ट कर सकते हो, आपको देखना है कि क्या वाया मीडिया आपको यूज करना है, ठीक है। ये चीजें और फोन नंबर मेरा 9810843472, और मेरा जो मेल है, मेल आप किसी भी पे करो, आइदर आप manoj_rajhans@hotmail.com और या manoj.k.rajhans68@gmail.com। और भी बहुत सारे वाया मीडिया हैं, आपको इतना का नीड नहीं आएगा, ये सफिशियंट है आपको जानने के लिए, और ये
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय देवर फाउंडेशन फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर हम लोग सैटरडे को क्लास 10th के लिए मिलेंगे, राइट बिट्टू? आ गए कहाँ है? Gracias.